एक बार फिर से दिल्ली का स्कूल सुर्खियों में है, जिस पर आरोप लगा है कि यहाँ के टीचर ने बच्चे को बेरहमी से मारा। मामला दिल्ली के ज्ञान देवी सालवन स्कूल का है, जहाँ बच्चे के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बच्चे ने टीचर से पानी पीने के लिए पूछा तो टीचर ने बच्चे को पीट दिया। पिटाई के बाद बच्चे की हालत खराब हो गई, जिसके तुरंत बाद बच्चे को मेडिकल रूम ले जाया गया। हालांकि बच्चे के परिवार वालों ने अभी सिर्फ आरोप लगाया है और इस पर स्कूल प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। उसके साथ में वो कल पीटी के पीरियड के बाद खेल के वापस क्लास में आया, उसने देखा कि उसकी वाटर बोतल खाली है। पानी के लिए उसने वाटर पास कर रहा था तो मैडम, मैथ का मैडम का पीरियड था, तो उसने किसी सर को वहाँ खड़ा कर दिया कि आप यहाँ क्लास संभालो, मैं भी आ रही हूँ। तो वो मैम चली गई, बेटे ने बोतल पास करा तो उस सर ने मना किया कि भाई बोतल नहीं देनी। उसने बोला मैम प्यास लग रही है मुझे, तो कह रहा कि नहीं देनी बोतल। तो फिर बीच में एक लड़का खड़ा था, उसने बोला कि जिस मैला मुझे दे, मैं पास कर देता हूँ बोतल। बस ये बात थी कि उसने उसको डेस्क पर उसके सर रख के और उसके सर पे घूंसे मारे हैं, उसको बेहोशी की हालत तक पहुंचा दिया है। वो उठ के खड़ा भी नहीं हो सका, उसको बच्चों ने खड़ा करा है और डेस्क पे बिठाया, उसको रिलैक्स करवा के पानी पिला के फिर मेडिकल रूम लेके गए उसे जाके। तो इतना बुरे तरह से मारा उसे। तो पुलिस में मामला दर्ज कराया आपने? नहीं, अभी नहीं करवाया मैंने। पेरेंट्स ग्रुप के ऊपर ही सारा मामला डाला था, जो हमारे साथ ये पीटी मेंबर्स हैं सारे, ये मिलके एक्शन ले रहे हैं हमारे साथ। प्रिंसिपल से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। इन्होंने ईमेल भी डाला था उनको मैडम के सर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कुछ अभी तक एक्शन नहीं लिया। जिन टीचर ने मारा था बच्चे को, उनका नाम क्या है? उनका राधे सर है और उस क्लास से उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जस्ट मैथ की मैडम ने उसे खड़ा होने के लिए बोला था कि क्लास संभालो आप, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया और बल्कि सबको गालियां भी दे रहा था वहाँ पे। कल मेरा बेटा कल यहाँ पे स्कूल आया था, वो पानी क्लास लगी तो पानी पीने के लिए बोला था किसी लड़के को, बोला टीचर नहीं बैठ जाती, तो उसने की बोतल दी, बोतल दी भाई एक लड़के को दी बोतल, तो फिर वो बाद में लड़का बोला वो लेने के जा, तो उसने मना कर दिया। फिर बाद में उसने क्या करा, डेस्क पर रख के उसके ना सीरीज में 4-5 उसने बहुत जोर से उसने पीटा, इतना मारा कि बच्चे बेहोश हो गए। टीचर ने मारा था? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ पानी को लेकर। हाँ, सिर्फ पानी के लिए। क्या लगता है कि ये टेबलेस कैटेगरी के हैं तो बच्चे भेदभाव यही हो रहा है शायद हमारे बच्चे के साथ, कि भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ। हमारे बच्चे के साथ में ई डब्ल्यू एस के बच्चा है, वो उससे भेदभाव कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा क्यों, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। क्या मामला है, क्या पता चला है? देखिए, मॉर्निंग में हमें ये पता चला था, एक बच्चा जो छठी क्लास में पढ़ता है, सातवीं क्लास में पढ़ता है, और उसको एक टीचर ने बहुत बुरी तरीके से मारा, और रीज़न सिर्फ ये था कि बच्चे ने पानी पीने के लिए बोला था। अगर बच्चों को क्लास में पानी पीने की परमिशन नहीं दी जाएगी, सुसु पॉटी की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा ना। और टीचर का हाथ उठाना तो किसी भी हालत में नहीं बनता। तो टीचर ने किस तरीके से, और जैसे उनकी मदर बता रही है कि रात को बच्चे की तबीयत भी खराब हुई, उसको हेडेक भी हुआ, तो आप ये बताइए, भगवान ना करे अगर किसी भी तरीके से अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन इसका जिम्मेवार होता। कल हम सभी राबिया हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे किसी तरीके से करीबन 50 बच्चों को नीचे उन्होंने बंधक बना लिया था एक तरह से, और इस तरह से क्या दिखाना चाहते हैं। और ये भी पता चला बच्चा ईडब्ल्यू से, क्या ये मैं मानूँ कि किसी तरीके से बच्चे को टॉर्चर करके स्कूल से निकालना चाहते हैं कि ये माँ बाप हैं कुछ बोलेंगे है नहीं, चुपचाप से निकल जाएंगे और आप इस सीट को बेच देंगे। और जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं मुझे पता चला है इलीगल ग्राउंड में बनी हुई, तो हम ये जानना चाहेंगे दिल्ली सरकार से और शिक्षा विभाग से कि किसकी परमिशन से इस बिल्डिंग को आपने परमिशन दी है। जीडी सलवान स्कूल है ये, और ये इलीगल ग्राउंड पे बना हुआ है। ये जो आप ट्रस्ट देख रहे हैं ये भी इलीगल है। आप इनके पेपर्स नहीं हैं, आप कहते हैं कि इनके पेपर्स जल गए हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं आपके पेपर्स जल जाएंगे। आप इनके ग्राउंड को ठीक कीजिए, और आप देख सकते हैं ये गेट है, आप गेट का साइज देखिए, ये वाला गेट देखिए, आप गेट का साइज देखिए, पूरा बंद है। इस तरीके से स्कूल चलते हैं क्या? सुबह 7 बजे से सारे पेरेंट्स आके बैठे हुए हैं और अभी तक उनको मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप ये बताइए, स्टेक होल्डर जो पेरेंट एक स्टेक होल्डर है, और यहाँ पर तो पीटीए भी नहीं है, इनके सारी फर्जी पीटीए बनी हुई है, और जो पेरेंट स्टेक होल्डर है उसको परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? आप बच्चे को भेज रहे हो या जेल में भेज रहे हो, जिसमें इनके साथ की अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। ये कोई आज की एक नई बात नहीं है कि स्कूल में ऐसा हो रहा है। लगभग पिछले 2 साल से जो पीटीए मेंबर्स हैं वो इस स्कूल के में ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। स्कूल में इलीगली फीस हाइक होती है। चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल हर बार ये बोलते हैं कि फीस रोल बैक होगी, लेकिन
इन लोगों ने ना तो केजरीवाल की बात मानी ना डीओई की बात मानी। ऐसा लगता है कि डीओई के कुछ भ्रष्ट अफसर भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो कि इनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से करने से डरते हैं। और जहाँ तक प्रिंसिपल की बात है तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। और हमें ऐसा लगता है ईडब्ल्यूएस के बच्चों को ना तो फ्री ड्रेस मिलती है, ना फ्री जूते मिलते हैं, ना किसी तरीके की फ्री बुक्स मिलती हैं। 5-5 हज़ार के इन गरीब पेरेंट्स को परेशान किया जाता है और इनकी जेब से पैसा उगाही का किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई धंधा बना रखा है इस स्कूल ने। और हम चाहते हैं कि इस स्कूल के ऊपर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेके जो कोर्ट ने, न्यायालय ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी इनसे वादे किए हैं वो इनसे पूरे हों। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे तो ये सब बातें बोल देते हैं वो लोग, लेकिन अंदर के लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है और स्कूल अपनी मनमानी करता है और बच्चों को दंडित करता है। तो मैं ये चाहता हूँ एज अ वाइस चेयरमैन पीटीए जीडी सलमान पब्लिक स्कूल कि इस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन पेरेंट्स को इस तरीके से जो मानसिक जो प्रताड़ना दी गई है, जो मेंटल टॉर्चर किया गया है इनके बच्चों को, फिजिकल टॉर्चर किया गया है, उससे इनको बचाया जा सके। डीबी न्यूज़ के लिए दिल्ली से गौतम तिवारी की रिपोर्ट।